मारूफ भारतीय अदाकारा पूनम पांडे और उनके साबिक शौहर पर सर्वाइकल कैंसर की तशहीर के नाम पर मौत का ड्रामा करने पर 100 करोड़ भारतीय रुपए के हतक इज्जत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 फरवरी को पूनम पांडे के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा गया था कि अफसोस के साथ आगाह किया जाता है, अदाकारा सर्वाइकल कैंसर से जंग हार गई और इस मौजी मरीज में उनका इंतकाल हो गया। ये खबर जंगल में आग की तेजी से फैल गई और सुर्खियों की जीनत बनी। जब इस हवाले से पूनम पांडे की मैनेजर से राब्ता किया गया तो निकिता ने भी इस बात की तस्दीक की, अदाकारा उत्तर प्रदेश में अपने घर पर फौत हो गई। ये खबर यूं ही चलती रही और तजीतों का तांता बंधा रहा, जबकि उस दौरान सर्वाइकल कैंसर से मुतालिक भी काफी बात हुई। ताहम बाद में पूनम पांडे ने खुद बताया कि वो खैरियत से है और ये सब सर्वाइकल कैंसर से आगाही के ये एक स्टंट था। बाद अजां पूनम पांडे पर एक ऐसी बीमारी का इस्तेहसाल करने पर तनकीद की गई जिसकी वजह से बेशुमार लोगों और खानदानों को बेपनाह मसाइब का सामना करना पड़ा था और ये सब सिर्फ तशहीर की खातिर किया गया। इसके फौरी बाद ऑल इंडियन सुने वर्करज एसोसिएशन ने अदाकारा पूनम पांडे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया, जिस पर मुतनाज़े तशहीरी मुहिम के पीछे काम करने वाली एड एजेंसी ने सोशल मीडिया पर माफीनामा भी जारी किया। इसके बावजूद सारिफीन का गुस्सा कम न हुआ और ये तनाजो जारी रहा और अब मुंबई के रहायशी फैजान अंसारी ने कानपुर पुलिस कमिश्नर में अदाकारा के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दर्ज कराया है। शहरी ने FIR में मौकफ इख्तियार किया कि पूनम पांडे और उनके शौहर ने फर्जी मौत का ड्रामा रचाया और अपने जाती फायदे के लिए कैंसर जैसी संगीन बीमारी के नाम पर धोखा दिया। मुकदमे में कहा गया है कि लाखों लोगों के एतमाद को ठेस पहुंचाने और बॉलीवुड कम्युनिटी की साख को नुकसान पहुंचाने पर 100 करोड़ रुपए का हर्जाना दायर करता हूं। और दूसरी तरफ बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार अमिताभ बच्चन और उनकी अहलिया जया बच्चन के बैंक असासों की तफसीलात सामने आई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों फनकारों के असासों की तफसील उस वक्त सामने आई जब जया बच्चन ने इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए। कागजात नामजदगी के मुताबिक जया बच्चन और उनके शौहर के मुश्तरका असासों की तादाद 1578 करोड़ रुपए से जायद है। जया बच्चन के हलफनामे के मुताबिक इनके पास 40.97 करोड़ रुपए के जेवरात और 9.82 लाख रुपए मालियत की गाड़ी मौजूद है। इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। पाकिस्तान की बात करें तो आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी गुलूकार और अदाकार अली जफर ने उन पर जिंसी हरासानी के झूठे इल्जाम लगाने वाली साथी गुलूकारा मिश्रा को मुआफ करने का ऐलान किया है। एक ताज़ा इंटरव्यू में गुलूकार का कहना था कि झूठे इल्जाम से उन पर और उनकी फैमिली पर बहुत मुश्किल वक्त आया था और वो रातों रात एक विलन बन गए थे। इन्होंने कहा कि तमाम मीडिया चैनल उनके खिलाफ थे और कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था, जिससे इन्हें बहुत दुख हुआ। गुलूकार ने बताया कि इस कड़े वक्त में उनकी अहलिया और फैमिली ने बहुत साथ दिया, जिसकी वजह से इन्हें मुकदमा लड़ने की हिम्मत हुई थी। अली जफर ने कहा कि जिसने उनके साथ गलत किया और नाजायज किया वो उन सब के लिए अल्लाह से रहम मांगते हैं। वाजह रहे कि अप्रैल 2018 में मीशा शफी ने अली जफर पर हरासानी के इल्जाम लगाए और एक कानूनी जंग के बाद वो तमाम इल्जाम झूठे साबित हुए, जबकि अदाकारा माहिरा खान ने अपने घर नन्हे मेहमान की आमद से मुतालिक खबरों पर खामोशी तोड़ दी। एक्सप्रेस टेलीविजन से बातचीत में अदाकारा माहिरा खान ने हामिला होने की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि ऐसी बातों में कोई सच्चाई नहीं। अदाकारा का मजीद कहना था कि मेरे नेटफ्लिक्स की सीरीज छोड़ने से मुतालिक अफवाहें भी गलत है। भारतीय मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही थीं कि अदाकारा माहिरा खान के घर नन्हे मेहमान की आमद मुतवक्के है। अदाकारा माहिरा खान ने अक्टूबर 2023 में बिजनेसमैन और अपने दोस्त सलीम करीम से शादी की थी। माहिरा खान ने पहली शादी 2007 में अली अस्करी के साथ की थी, जिनसे अदाकारा का एक बेटा अजलान है। ताहम शादी के 8 साल बाद 2015 में दोनों में तलाक हो गई थी।